इसके आगे और एक बस वाला है, उसने अभी इसको इतना दबाया, सामने वाला गाड़ी नीचे उतर गया था। ये सिंगल लेन रोड पे यही प्रॉब्लम होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम सिरोही राजस्थान। इट्स 4:45 इन द मॉर्निंग। अभी सारा सामान बाइक पे लोड कर दिया है, तो अभी चलते हैं बाहर। बाइक पूरी लोड हो चुकी है, सैडल बैग्स माउंट हो चुके हैं, टॉप बॉक्स माउंट हो चुका है, एंड आई एम रेडी टू लीव नाउ। टाइम हो चुका है 5:04 एंड आज का डेस्टिनेशन तो वैसे है अमृतसर। आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि अमृतसर यहाँ से 950 किलोमीटर है, वो उतना कवर होना पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी, दिस इज डे 2 ऑफ मुंबई टू ले 2019, पाली 109। सन विल बी आउट इन सम टाइम। इट्स अ स्ट्रेट हाईवे, बहुत अच्छा रोड है, रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छे है, थोड़े थोड़े बम्प्स है बीच बीच में, बट दैट्स ऑल फाइन। आई एम स्टिल कन्फ्यूज कौन से रूट से जाऊँ, जोधपुर से जाऊँ या फिर ब्यावर होके, ब्यावर इस तरफ है अजमेर की तरफ और जोधपुर इस तरफ है, थोड़ा सा अंदर से जाता है वो, फिर आगे बीकानेर होके फिर पंजाब में इंटर करता है। आई वॉन्ट टू रूट जहाँ पे रोड अच्छे हो और व्यूज़ काफ़ी बढ़िया हो। बाकी खाने पीने का चल जाता है, अपने पास बैग में बहुत है खाने को। ये देखो पूरा बैरन। जोधपुर 108, अजमेर 196, ब्यावर 138। सो आई हैव रीच पाली, पाली से वो जोधपुर वाला लेफ्ट ले लिया। सो ओम बन्ना टेम्पल इज 23 मिनट्स 22 किलोमीटर। अच्छा जोधपुर रोड पे ये ओम बन्ना टेम्पल। आई होप आप सभी को इसकी स्टोरी पता हो। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्टोरी, आई विल टेल यू द स्टोरी because you are on Story on Wheels. So, Manna is a local person of here. He is no more now, but he loves his motorcycle, Royal Enfield 350cc Bullet thi, and one day, unka accident ho gaya, ped se takra kar, and he died. So, police took his motorcycle to the police station. The wonder is, accident ki jagah pe wo motorcycle fir se pai gai. The police wale ne fir se wo motorcycle leke gaya police station. Tank mein se pura petrol khali kar diya, aur janjiro se usko baan diya, motorcycle ko. Itna honne ke bawajud bhi, the very next day, ये मोटरसाइकिल वो एक्सीडेंट स्पॉट पे फिर से पाई गई। सो जैसे तैसे हम पहुंच गए हैं एक टोल पे, टोल का नाम है जोधपुर पाली एक्सप्रेसवे। दीज ऑल आर द मर्डर आई डिड। सो जोधपुर सिटी के अंदर आ गया हूँ मैं। 184 किलोमीटर हो गए हैं, टाइम हो गया 8:20। मैंने इसके आगे और एक बस वाला है, उसने अभी इसको इतना दबाया, सामने वाला गाड़ी नीचे उतर गया था। टेरिबल मैन, ये सिंगल लेन रोड पे यही प्रॉब्लम होता है। सो शायद राजस्थान गवर्नमेंट का जो बस होता है वो है, लेट्स सी वो अपने को साइड देता है कि नहीं। लेट्स ट्राई। ये देखो ये बर्फदार, देखो स्ट्रेट रोड, नो वन एल्स इज हियर, पूरा वीरान है, आजू बाजू में कोई नहीं है। 12 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट आएगा बीकानेर को जाने को, और जो सीधा जा रहा है रोड वो नागौर जाएगा। बिल्कुल भी धूप नहीं है और बारिश बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज द परफेक्ट राइडिंग कंडीशन। बहुत गर्मी हो रही है अभी, तो थोड़ा साइड में रुका था, पानी वानी पे लिया। आज का अपना डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है, इसके लिए ज़्यादा ब्रेक्स नहीं ले पा रहे, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना होगा। मैं अभी नागौर में हूँ, नागौर से एक 2-3 किलोमीटर पहले, बीकानेर से नहीं जाऊँगा मैं,
नागौर से आगे हनुमानगढ़ वाला रोड है, वहाँ से जाऊँगा। बीकानेर वाला रोड आधा घंटा स्लो दिखा रहा है। मैं हर 100 किलोमीटर्स पे ब्रेक ले रहा हूँ, फिर भी आई डोंट नो, थोड़ा थोड़ा कूलन बाहर आ रहा है। नो, इस गर्मी में गाड़ी गर्म होती है बहुत ज़्यादा, बट इसके लिए तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर भी मुझे वो कूलन का इशू आ रहा है। एक बार शैलेश भाई को पूछ लेता फ़ोन करके। नेक्स्ट हॉल्ट में टाइम नहीं है अपने पास, 306 हो गए, 406 पे अभी नेक्स्ट हॉल्ट लेंगे। दोनों तरफ रेगिस्तान, बीच में से रोड जा रही है और इतनी गर्मी है, वाइजर ओपन नहीं रख सकते, 2 मिनट भी नहीं रख सकते। वो जो गर्म हवा आती है ना, कंपलसरी वाइजर क्लोज। वो देखो देखो देखो, डिड यू सी दैट? देखो वहाँ पे भी कुछ है, ये देखो, ये है वो, 2 3 4 हरणांचा पूर्ण कळप आहे ते बघा, सगळे एकत्र जमले आता, सब साथ में आगे, देखो, लेट्स गो, सी ऑल सँड ड्यून्स हियर। बस चला ही जा रहा हूँ, चला ही जा रहा हूँ, ये रोड खत्म ही नहीं होती। इट्स 2:15 इन द आफ्टरनून एंड आई हैव कंप्लीटेड 455 किलोमीटर। दोनों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, बाकी कुछ नहीं। उधर कोई भी राइडर मेरे को अभी तक तो नहीं दिखा। मैं भी एज सून एज मैं पंजाब हिट करूँगा या फिर पंजाब से बाहर जाऊँगा पठानकोट की तरफ, तब शायद दिखाई पड़े। भूख तो लगी नहीं है क्योंकि पानी से ही पेट भर रहा है यार। अभी भी फ्रेश हूँ मैं, काफ़ी फ्रेश हूँ, सो लेट्स सी कितना जा पाता हूँ। जस्ट ब्रीथ। आफ्टरनून, खाने का टाइम हो चुका है बट भूख तो लगी नहीं है। 2 ग्लास गन्ने का जूस पी लिए तो अभी भूख तो नहीं थी, बट बॉडी को हाइड्रेट करना भी उतना ज़रूरी है। सूरतगढ़ यहाँ से है 90 किलोमीटर्स, जहाँ से मैं डाइवर्जन लूँगा हनुमानगढ़ की ओर और फिर आगे बठिंडा की ओर। फ्रेंड्स, अगर मुझे आज अमृतसर पहुंचना है तो रात के 10:30-11 बज सकते हैं। अगर मुझे लगा कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता तो मैं बठिंडा में स्टे ले लूँगा। सूरतगढ़ बीकानेर टोल, ये जहाँ पे मैं ब्रेक पे रुकता हूँ, यहाँ के लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सवाल करने लगते हैं, यार गाड़ी कितने की है, आप कहाँ से आए हो, फिर कितने किलोमीटर जाना है अब, और डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारा, कितना भागती है गाड़ी, तुम कितना भगाते हो गाड़ी को, एवरेज क्या है। लोगों की जो नेसेसिटीज़ है वो बहुत कम है और बहुत लिमिटेड है, इसलिए ये लोग बहुत खुश है और बहुत बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब अलग अलग लोगों से बातें करने को, उनको समझने को थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे रोड ट्रिप ज़्यादा पसंद है। अगर मैं चाहता, मेरे को ले जाना है, मैं डायरेक्ट ले फ्लाइट ले सकता था या फिर डायरेक्ट मनाली फ्लाइट ले सकता था, दिल्ली फ्लाइट ले सकता था और वहाँ से बाइक रेंट करके फिर घूम सकता था, बट मुझे सिर्फ ले नहीं घूमना है, मुझे ये सब करते हुए जाना था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। अपना इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। आप लोग कहेंगे यार ये क्या है, ये सब बैरन लैंड्स है, सब नोमैड प्लेसेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यार इसमें एक खूबसूरती देखने को ना नज़र होनी चाहिए। आई फील वेरी बैड, बहुत जगह पे ना कुत्ते को उड़ाया था, एक दो गाय भी देखे मैंने, मैं क्रॉस कर पाएंगे ये देखो। थोड़ा ध्यान दो गाइस, इवन दे हैव देयर फैमिलीज टू, सो बी केयरफुल। अभी तक राजस्थान में ही है बट एट द एंड ऑफ राजस्थान। बठिंडा यहाँ से 200 किलोमीटर है और अमृतसर 400। टाइम हो गया है 4:45, डिस्टेंस कवर हो चुका है। सिरोही से लेके यहाँ तक 580 किलोमीटर। ये मीटर नहीं है, कैमरा है। हाँ, मुंबई का ही रहने वाला हो, अभी घूमने को आया हो?
गर्मी तो यहाँ पर बहुत है सर। हाँ यहाँ पे बहुत है, वहाँ पर इतना तापमान है। अबे बारिश गिर रहा है। अभी पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब जाओ, पंजाब जा रहा हूँ, फिर जम्मू जाऊंगा। सब लोग घेर के खड़े हैं। थोड़ा वेळ ग्लव्स काढलेत, कारण मी 750 किलोमीटर नुसतं ग्लव्स घालून होतो। It looks something like this. Just look at this road. We have entered Punjab. Bathinda is approximately 20 kilometers from here.